शहर के बरवाटोली चौक निकट स्थापित मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। मई के अंतिम सप्ताह में भव्य अनुष्ठान शुरू होगा। ये लोहरदगा जिले के दूसरे सबसे ऊंचा मंदिर होगा जहां मां दुर्गा विराजेगी। इसके अलावा शिवलिंग व बजरंग बली की भी प्रतिमा का स्थापना किया जाएगा। मंदिर समिति ट्रस्ट के सदस्यों ने बताया कि ये मंदिर दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रारूप पर बनाया जा रहा है, जिसमें 1 करोड़ का खर्च आया है। इसके लिए ट्रस्ट भी बनाया गया है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि मात्र 201 लोगों के आर्थिक सहयोग से मंदिर का निर्माण संपन्न होने जा रहा है। मंदिर की ऊंचाई 101 फीट है, जिसके कारीगरी में महाराष्ट्र के रमाकांत तिड़के की टीम जुटी हुई है। बताया गया 2019 से मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो कोविड काल के कारण प्रभावित हुआ। पुनः 2021 के अगस्त महीने से कार्य में तेजी लाई गई, जो अब जाकर मंदिर तैयार हो चुकी है, जहां मां दुर्गा सहित शिवलिंग व बजरंग बली की प्रतिमा राजस्थान से लाई जा रही है, जो मकराना पत्थर से निर्मित है। जिले में भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर लोगों में उत्साह है। यहां दिन रात ट्रस्ट के लोग तैयारियों में जुटे हैं। हम तो अपील यही करेंगे कि कलश यात्रा में लोहरदगा के वासियों से अपील करेंगे कि जितना अधिक से अधिक संख्या में भाग ले और कार्यक्रम पूजा का जो हम लोग रखे हैं उसे सफल बनाए। ये जो मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का निर्माण के लिए सबसे पहले मैं बरवाटोली दुर्गा पूजा समिति के तमाम सदस्यों के, उनके अध्यक्ष रमेश साहू जी और जितने भी समिति के सदस्य हैं, उनका मैं केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष होने के नाते पहले आभार प्रकट करता हूँ। इतना ऐतिहासिक मंदिर जो इन्होंने हम लोगों को दिया है, इसके लिए मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ। और मंदिर का जो कार्यक्रम तय किया गया है, इस कार्यक्रम में ये 6 दिन का कार्यक्रम है। सबसे पहले कलश यात्रा किया जाएगा। कलश यात्रा में 10,000 लोगों की भीड़ होगी, जो एक अपने आप में एक बहुत ही भव्य कलश यात्रा निकाला जाएगा। यहाँ पे माता का पट 4 को खुलेगा और 6 को यहाँ पूजा का समापन होगा। पूजा जो कराया जाएगा काशी के ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाएगा। 6 दिन भव्य भंडारा का व्यवस्था किया गया है, लोगों के आने तक वहाँ भंडारा चलता रहेगा। जगराता की व्यवस्था की गई है और भी जैसे इन लोगों का तैयारी चल रहा है, जो भी रूपरेखा है, ऐसा नहीं हो कि महाराष्ट्र से बैंड बुलाने की तैयारी चल रही है। लोग नगर भ्रमण के लिए एक अद्भुत और लोहरदगा के लिए एक ऐतिहासिक और गर्व महसूस करने वाली है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।